दोस्तों वेलकम टू पावर, इसमें मैं हूं आपका दोस्त हर्षित और आज हम बात करेंगे महिंद्रा की तरफ से लॉन्च की गई लेटेस्ट बुलेरो न्यू के बारे में, जो अपनी सेगमेंट की लेटेस्ट ऑफरिंग है 7 सीटर सेगमेंट में। और आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कितनी इसकी ऑन रोड प्राइसिंग है, क्या फीचर्स ये आपको ऑफर कर रही है अपने टॉप मॉडल में। आज हमारे साथ बुलेरो न्यू का N10 वेरियंट है, जो कि इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट भी है। इसकी जो एक शोरूम प्राइस है ये है 9.99 लाख रुपीज़, 9,99,000 रुपये, और जो इसकी ऑन रोड प्राइस आपको कॉस्ट कर रही है ये है 11.70 लाख रुपीज़, 11,70,000 रुपये इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइस है। और ये गाड़ी एक बुलेरो के डिज़ाइन के साथ आई है, लेकिन ये है TUV 300। तो वीडियो में हम देखते हैं इस प्राइस में, यानी कि 11,70,000 रुपये टॉप मॉडल में आपको क्या क्या इसमें फ़ीचर्स दिए गए। सबसे पहले अगर आप बात करेंगे, क्योंकि ये TUV 300 और बुलेरो दोनों के डिज़ाइन एलिमेंट्स अपने साथ लाई है, तो जो फ्रंट का लुक है ये आपको बुलेरो से इंस्पायर्ड मिलने वाला है। जो आपको एक SUV करेक्टर इस गाड़ी में मिलता है, जो एक मॉडर्न डिज़ाइन के साथ ये गाड़ी आई है, वो आपको फील होगा इसमें। फ्रंट में आप देखेंगे कुछ ये क्रोम आपको वर्टिकल एलिमेंट्स इसमें प्रोवाइड किए गए, सेंटर में आपको महिंद्रा का लोगो दिया गया है। वहीं अगर आप इसके हेडलैम्प्स की बात करते हैं, तो जो हेडलाइट्स हैं इनको बहुत ज़्यादा एक प्रीमियम टच देने के लिए इसमें LED DRLs का प्लेसमेंट किया है महिंद्रा की तरफ से। अगर आप थोड़ा और गौर से देखेंगे तो यहाँ पर आपको स्प्लिट हेडलैम्प सेटअप दिया है, जो कि पहाड़ों में बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। ये कुछ इसके टर्न इंडिकेटर्स आप देख पाएंगे और ये इसके नॉर्मल हेडलैम्प्स है। बाकी फ्रंट का लुक अगर आप देखेंगे बहुत शानदार दिया है इसमें। नीचे देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से प्लेस किए गए इसके फॉग लैम्प्स, जिनकी हाउसिंग की जो पूरी क्वालिटी है ये भी काफ़ी अच्छी है। और फ्रंट में अगर आप देखेंगे तो आपको बुलेरो का जो एक्स फैक्टर वाला बम्पर मिलता है वो इसमें प्रोवाइड किया गया है, जिससे ये गाड़ी बहुत ज़्यादा बोल्ड लग रही है आगे से। नीचे अगर आप देखते हैं तो कुछ जो इसमें आपको डुअल टोन में बम्पर मिलता है वो ऑफर किया गया है, उसी के साथ कुछ हेक्सागोनल एलिमेंट्स यहाँ ऑफर किए गए। बाकी फ्रंट का लुक गाड़ी का बहुत शानदार लग रहा है। और साइड प्रोफाइल में अगर आप आते हैं तो यहाँ से आपको ये गाड़ी थोड़ी सी बॉक्सी फील होगी, थोड़ा सा लगेगा कि हाँ गाड़ी की ऊँचाई ज़्यादा है और थोड़ा सा आउट ऑफ प्रोपोर्शनेट लगेगी, बट उसका फ़ायदा आपको मिलता है इस गाड़ी की थर्ड रो और जो सेकंड रो में अच्छा खासा स्पेस है, जो आरामदायक आपको सिटिंग कंफर्ट मिलता है वहाँ आप उसका फ़ायदा उठाएंगे। अब बात करते हैं इसके अलॉय व्हील्स की। जो आपको इसमें टायर्स दिए गए ये सीएट के मिलने वाले हैं, जो कि अच्छी खासी आपको रोड ग्रिप ऑफर करने वाले हैं। इसका जो साइज़ है ये है 215/70 सेक्शन, रेडियल 15 का टायर है, तो 215 इसकी चौड़ाई है, बहुत ज़्यादा है। 75 सेक्शन का टायर है और 15 इंच का अलॉय आपको मिलने वाला है और सीएट के टायर मिल रहे हैं। तो ये इसका कुछ आप रनिंग बोर्ड देख सकते हैं जो इसमें ऑफर किया गया है। वहीं अगर आप देखेंगे इसके ये सारे के सारे डिकेल्स जो इसमें क्लैडिंग का पार्ट दिया गया है, थोड़ा सा और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए दिया गया है, जिससे कि लगे कि गाड़ी में हाँ कुछ चेंज हुआ है, कुछ नया आपको मिलने वाला है। भाई ये थोड़े बहुत आपको देखिए पेंट में जो जॉब है वो आपको मिलेगी। ORVM इसमें आपको डुअल टोन ऑफर किया गया और बहुत बड़ा ORVM मिलेगा, ये इलेक्ट्रिकली एडजस्ट हो जाता है और उसको फोल्ड आपको मैनुअली करना होगा, जैसे कि आप नॉर्मल किसी भी गाड़ी में करते हैं। बाकी विंडशील्ड का एरिया भी अच्छा खासा आपको मिलने वाला है। ये है गाड़ी की इस साइड से प्रोफाइल। आइए हम चलते हैं इस गाड़ी के सीधे रियल लुक की ओर। पीछे से अगर आप इस गाड़ी को देखते हैं तो ये आप इसके पीछे का लुक देख सकते हैं। पीछे से गाड़ी बहुत बढ़िया लगती है, बुलेरो नियो की आपको बैजिंग इसमें मिलने वाली है, जो कि ये कुछ आप देख सकते हैं। और यहाँ से आप इसके पीछे ये ओपन कर सकते हैं और ये सारे टेल लैम्प सेक्शन आप देखेंगे। ऊपर आपको एक स्पोर्टी लुकिंग स्पॉइलर इसमें ऑफर किया गया है। बाकी बिल्कुल जानदार लग रही है गाड़ी, मतलब जो इस गाड़ी की रोड प्रेजेंस है वो काफ़ी शानदार लग रही है। पीछे आपको किसी भी प्रकार का इसमें रियर पार्किंग कैमरा नहीं ऑफर किया गया है, बट ये जो आपको इसमें अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर मिलता है ये आपको पार्क असिस्ट के साथ मिलता है, यानी कि ये आपको बताएंगे कि आपकी गाड़ी से कोई भी चीज़ कितना सेंटीमीटर दूर है, वो अभी हम देखने वाले हैं। बाकी अगर आप एक फ्रेम में इस गाड़ी को देखते हैं तो बहुत बढ़िया लग रहा है ऐसा कुछ इसका एक एक्स फैक्टर वाला देखेंगे आप। की फॉब की बात करें तो ये इसकी कुछ की फॉब आपको ऑफर की गई है, इसमें लॉक अनलॉक फॉलो मी हेडलैम्प का फंक्शन है और ये है इसकी जैक नाइफ की, क्योंकि इसमें आपको सेंट्रल लॉकिंग मिलती है तो ये अच्छी बात है टॉप मॉडल में, तो बढ़िया फीचर है। और ये है इसके सारे कुछ इटालियन इंस्पायर्ड प्रीमियम लुकिंग इंटीरियर्स, जो कि आपको डुअल टोन में ऑफर किया गया है। एक टैन शेड के साथ साथ कुछ ब्लैक का ऑप्शन मिलेगा आपको, और डैशबोर्ड पहले भी आपको TUV 300 में ऐसा ही मिलता था, बट अभी ये थोड़ा सा और ज़्यादा पॉलिश लग रहा है और ज़्यादा एक अच्छी जो चीज़ जिसे कहेंगे
जो फैब्रिक सीट्स है वो भी थोड़ी सी एक प्रीमियम लगेगी आपको, किसी भी प्रकार की कॉस्ट कटिंग नहीं पर फील होगी इसमें, क्योंकि आपको हाइट एडजस्टिंग का फंक्शन मिलता है जिससे आप इसको ऊपर नीचे अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, आगे पीछे स्लाइड कर सकते हैं। और ये सारे के सारे आप इसके डोर पैनल्स को देख सकते हैं जिसमें आपको कुछ ये हार्ड टच मटेरियल ऑफर किया गया है जो कि बढ़िया तरीके से टेक्सचराइज है और क्वालिटी काफ़ी अच्छी मेंटेन करी है इनने। जो ग्रैब हैंडल आपको मिलेगा ये कुछ आपको ग्रे शेड ऑफ प्लास्टिक यूज़ किया गया है, और ये अगर थोड़ा सा सिल्वर में रहता तो और प्रीमियम टच हो सकता था, बट अगर यहाँ देखेंगे तो ये भी आपको हार्ड टच में ऑफर किया गया है और नीचे आपको थोड़ी सी इसमें बॉटल के लिए स्पेस है। इस गाड़ी में आपको 4 स्पीकर ऑफर किए गए हैं और 2 आपको एडिशनल इसमें ट्यूटर्स मिलेंगे, यानी कि अच्छा खासा साउंड सिस्टम है जो कि पाइनियर का इसमें ऑफर किया गया है। बाकी अब एक नज़र हम डाल लेते हैं जल्दी से इसके इंजन ऑप्शंस की ओर, क्योंकि महिंद्रा अपने इंजन्स के लिए जानी जाती है तो वो बारे में जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी गाड़ी का डिज़ाइन आपने देख ही लिया था, जो बॉनेट है वो भी आपको फ्लैट आउट मिलता है और अभी इसके DRLs फंक्शन कर रहे हैं तो आप DRLs को काफ़ी अच्छी तरीके से इसमें देख पाएंगे। यहाँ पर देखिए बिल्कुल टाइट लिप है इसका, एक हाथ से उठाना इसको उतना ज़्यादा टफ नहीं है। हाँ हैवी बॉनेट दिया गया है लेकिन अच्छी तरीके से। अब बात करते हैं इस इंजन की, तो इसमें आपको MHOG सीरीज 100 सीरीज़ का डीजल इंजन दिया है जो कि एक 3 सिलेंडर का डीजल इंजन है। पावर ये बनाता है 100 BHP की जो कि करीब 3750 RPM पे देता है, और जो इसका मैक्सिमम टॉर्क है ये है 260 न्यूटन मीटर का 260 Nm का, और ये आपको मैक्सिमम टॉर्क ऑफर कर रहा है 1750 RPM पे 1750 RPM पे। तो दोनों ही फिगर काफ़ी ठीक है, और माइलेज जो इसका कंपनी क्लेम कर रही है ये कर रही है 17.2 km/L का। तो ये आपने कुछ देखा इसके सारे के सारे। यहाँ पर आपको कुछ इंसुलेशन के लिए पैडिंग दी गई है जिससे आपके कैबिन में जो NVS लेवल्स है वो काफ़ी कंट्रोल रहते हैं। ये इसका आप काफ़ी बड़ा सा टर्बो चार्जर देख रहे हैं जो कि जो इसकी लो एंड टॉर्क है उसको काफ़ी बढ़िया बनाता है। बाकी हमने इसको बंद कर लिया है और यहाँ पर ये आपको कुछ इंडिकेशन शो करता है। तो ये है आपकी TUV 300 कुछ ऐसे एक्सटीरियर लुक में। आइए जल्द से चलते हैं इसके कुछ ड्राइवर कॉकपिट में और वहाँ बात करते हैं। यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का डेड पेडल नहीं दिया गया है, थोड़ा सा ये होता तो आरामदायक हो सकता था अगर आप हाईवेज में ज़्यादा गाड़ी चलाते हैं। यहाँ पर कुछ महिंद्रा ने अपनी माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के लिए स्विच दिया है जो कि इनका आइडियल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम है, और ये कुछ डिफॉगर है ये इकोनॉमी मोड को एक्टिवेट करने के लिए जिससे आपका माइलेज थोड़ा बढ़िया हो जाएगा, और यहाँ से आप अपने मिरर्स को एडजस्ट कर सकते हैं। ये कुछ AC वेंट्स दिए गए। अभी हम बात करेंगे इस गाड़ी का AC का फ्लो कितना है क्योंकि वो जानना भी काफ़ी ज़रूरी है। सीट्स को थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं, और मैंने सीट्स अभी पूरी पीछे कर ली है, और ये मुझे कुछ लेग रूम मिल रहा है, और ये क्योंकि आपको टिल्टेबल के साथ आता है टिल्ट हो जाता है ऊपर नीचे तो वो थोड़ा इजी बनता है। इसमें आपको पावर स्टीयरिंग जो मिलता है वो हाइड्रोलिक दिया गया है, थोड़ा सा आपको हैवियर फील होगा, थोड़ा सा हैवी फील होने वाला आपको पावर स्टीयरिंग की बात करें तो पार्किंग में भी, लेकिन ठीक है अगर आप थोड़ा इसको चलाएंगे तो आपको आदत हो जाएगी। ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये इन्होंने बिल्कुल अपडेट किया है, बहुत बढ़िया लग रहा है। इस पर थार से इंस्पायर लग रहा है मुझे कुछ ना कुछ। ये इसके सेट टैकोमीटर है, यहाँ पर आपको ये मिलेगा और यहाँ से आप इसको इसके सारे रीड आउट्स को पढ़ सकते हैं। माइलेज कंपनी इसका 17.2 km/L का कर रही है, 17.2 km/L का माइलेज कंपनी क्लेम कर रही है, और रियल लाइफ में लगभग ये आपको 13 से 14 का माइलेज दे देगी। डैशबोर्ड की क्वालिटी कुछ ऐसी ही है इस गाड़ी में पूरी, और आपको बाहर का बॉनेट पूरा व्यू होता है इसमें। मेरे हेडरूम की बात करेंगे तो ये है मेरा कुछ इसमें पूरा हेडरूम, काफ़ी अच्छा हेडरूम है, काफ़ी अच्छा शोल्डर रूम है। कल भी मैंने इसका वीडियो शूट किया था शोरूम के अंदर, लेकिन अभी मैंने सोचा कि चलिए बाहर से थोड़ा इसका आपको एक अपडेट दे दूं। और ये आप पूरा इसका ग्लव बॉक्स को देख सकते हैं जो कि कुछ ऐसा आपको शो किया गया है, और 2 आपको इसमें एयरबैग मिलते हैं, ABS ऑफर किया गया है, EBD आपको मिलता है इसमें, आपको कॉर्नरिंग ब्रेकिंग कंट्रोल का फंक्शन मिल रहा है जो कि सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप N10 में ऑप्शनल ले लेते हैं तो आपको MTT भी मिल रहा है इसमें, मल्टी टेरेन टेक्नोलॉजी, जिसमें होता क्या है कि एक मैनुअल लॉकिंग डिफरेंशियल है जिससे कि अगर आप कीचड़ में भी फंसते तो आपकी गाड़ी बाहर निकल जाएगी क्योंकि दोनों के दोनों जो व्हील्स है वो एक्सल के थ्रू लॉक हो जाते हैं बीच में। तो ये आपने देखा, ये है इनकी 7 inches की इंफोटेनमेंट सिस्टम जिसमें आपको जो पार्क असिस्ट का फंक्शन मिलता है, जब आप इसमें रिवर्स गियर इंगेज करेंगे तो रिवर्स असिस्ट का फंक्शन आता है, यानी कि कोई भी चीज़ आपकी यहाँ पर इस रेंज में आती है तो यहाँ पर आपको सेंटीमीटर्स में बताता है जिससे कि पता चल जाता है कि भाई कितना दूर है कुछ भी। तो ये न्यूट्रल है, ये कुछ वही 5-speed का मैनुअल ट्रांसमिशन आता है केवल, कोई भी ऑटोमेटिक नहीं है और सिर्फ डीजल का ऑप्शन है। ये इसका 12 volt का चार्जर है, कुछ USB यहाँ दी गई है, ऑक्स यहाँ दी गई है। AC की जल्दी से बात कर लेते हैं, तो AC का जो फ्लो है काफ़ी अच्छा है, कूलिंग भी अच्छी है, ठीक है, मतलब किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी कूलिंग कर रहा है। डोर थर्ड की बात करेंगे तो डोर थर्ड भी आप इसमें अच्छा खासा फील करेंगे,
आइए अब हम पीछे चलते हैं सीधे, क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छा खासा नॉर्मल स्पेस है और ये कुछ आपको आमरेस मिलती है जो कि फोल्डेबल है, दोनों लोगों के लिए आमरेस मिलेंगी। सीधे पीछे चलते हैं और वहाँ भी देखेंगे कि एसी का जो फ्लो है वो कितना आ पा रहा है, क्योंकि पीछे आपको इसमें एसी वेंट नहीं ऑफर किया गया है। एसी के लिए भी इनने इकोनॉमी मोड सेट करा है, जिससे कि कुछ एक जो डिफ़ॉल्ट टेम्परेचर है वो सेट हो जाता है, और ये कुछ एयर के सर्कुलेशन के लिए ये दिया गया है। बाकी ये पूरा का पूरा जो कंट्रोल पैनल है ये आपको पियानो ब्लैक और ये कुछ सिल्वर एक्सेंट्स के साथ मिलता है। और ये आपने देखा ही था कि ये लाइट्स जो है इसकी नॉर्मल मिलती है। बाकी यहाँ पर एक मिरर है और इस साइड ये प्लेन आपको ऑफर किया गया है। और गाड़ी की जो सीटिंग हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिससे आपको लगेगा कि हाँ आप एक स्कॉर्पियो लेवल की गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि जो इसमें चैसी यूज़ की गई है ये स्कॉर्पियो से ही ड्राइव की गई है एक तरीके से, जो कि इनकी थर्ड जनरेशन की चैसी है। बाकी सीटिंग पोजीशन देखिए आप गाड़ी की, बहुत ज़्यादा हाई है। ये सारे का सारा जो लेआउट है वो सिमिलर रखा गया है, जो फुट स्टेप आपको मिलने वाला है ऐसा कुछ है। और यहाँ पर ये सारी जो सीटिंग लेआउट है ये आपको दो हेडरेस्ट के साथ मिलती है, सेंटर में नहीं है, लेकिन पीछे तीन लोग बैठ जाएंगे इसमें। बहुत बढ़िया स्पेस दिया गया है इसमें, एक तरीके से स्कॉर्पियो लेवल का स्पेस है। जो इसमें रिक्लाइन मिलता है ये भी अच्छा दिया गया है, जो इसकी लंबाई है अंडरथाई सपोर्ट ये भी आपको अच्छी लगेगी, करीब 1.5 फीट के आसपास ये पूरा एरिया है। ये सीट मैंने अभी पूरी पीछे की भी थी, थोड़ी उससे आगे थी, पीछे बैठ के देखते जल्दी से। और पीछे इसका ज़रूर एसी ब्लास्ट आ रहा है। जो लोग कह रहे थे कि इसमें पीछे एसी वेंट नहीं दिया गया यहाँ पर, तो उनको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पीछे इसका जो एसी का ब्लास्ट है वो मैं फील कर पा रहा हूँ। और अभी ये फुल फैन स्पीड पे भी नहीं है, 80% पे काम कर रहा है। तो ये आप देखिए इसके कुछ फ्रंट के पूरे डैशबोर्ड को, जो कि अच्छा लग रहा है। गाड़ी में बहुत हाई सीटिंग पोजीशन है, अच्छी तरीके से आप इसमें बैठे हुए देख सकते हैं। मेरा अगर आप हेडरूम देखें, अगर कैमरा आपको दिखा पा रहा हो, और शोल्डर रूम देखेंगे, पीछे आपको इसमें जो सीट बेल्ट मिलने वाली है ये आपको मिलती है नॉर्मल। हाइट एडजस्टिंग का फंक्शन नहीं है, स्कॉडा की जो कुशाक है उसमें भी हाइट एडजस्टिंग का फंक्शन नहीं है। महिंद्रा ने अपनी ऑल न्यू बुलेरो न्यू को एक तरीके के फैमिली कॉन्सेप्ट पे बनाया है, जिससे इसको बहुत अच्छा इन कैबिन स्पेस देने की कोशिश की गई है। अगर आप डैशबोर्ड देखेंगे, ये वाला पूरा सीटिंग लेआउट देखेंगे, तो बहुत बढ़िया सीटिंग पोजीशन मैं इसे कहता हूँ। आप चलिए चलते हैं इसके बूट स्पेस की ओर। बाकी गाड़ी ये कुछ आपने देखी पीछे से। बूट में चलने से पहले इसमें आपको बता दूँ कि जो सीटिंग लेआउट है पीछे का, ये आपको साइड फेसिंग मिलने वाला है, जो कि आप महिंद्रा की पहले भी देख चुके हैं काफ़ी गाड़ियों में। बुलेरो में भी कुछ ऐसा ही लेआउट आता है, स्कॉर्पियो में भी कुछ ऐसा ही लेआउट आता है, ये आप फोल्ड भी कर सकते हैं। अभी जो इसका बूट स्पेस है जो महिंद्रा क्लेम कर रही है, ये कर रही है 384 लीटर का, 384 लीटर का बूट स्पेस है, और बहुत अच्छा खासा आपको इसमें लगेज रूम मिल जाता है, आपके सामान आ जाता है इसमें। बाकी यहाँ पर आप इसमें आसानी से बैठ भी सकते हैं। बैठ के मैं आपको दिखाता हूँ, एक कुछ आपको यहाँ पर फुटरेस्ट दिया गया है जो कि इतना है, शोल्डर रूम आप देख पाएंगे। बाकी आगे वाली सीट क्योंकि फोल्डेबल है तो ये फोल्ड कर लेंगे, और ये कुछ इसका पूरा स्पेस हो जाता है, ये पूरा ग्लास एरिया, और ये सारा का सारा कुछ आप देख सकते हैं। तो ये है आपकी बुलेरो नियो। तो इसकी सारी डिटेल्स हमने कवर करी, अब बात करते हैं इसकी लंबाई की। तो ये गाड़ी अंडर 4 मीटर सेगमेंट में आती है, यानी कि उसी सेगमेंट में आती है जहाँ पर आपकी आती है XUV300। इसकी लंबाई है 3995 मिलीमीटर्स की, 4 मीटर से छोटी गाड़ी है, मतलब बहुत बड़ी बात है। इतना बड़ा लुक इसको दिया है, इतना बोल्ड डिज़ाइन महिंद्रा ने इसमें बनाया है। इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस अभी कंपनी क्लेम कर रही थी, इससे पहले जो TUV आती थी उसमें करीब 188 मिलीमीटर के आसपास करती थी, लेकिन अभी एक वैल्यू मुझे मिली है जो कि 160 मिलीमीटर की, लेकिन वो शायद फुली लोडेड गाड़ी की है, तो जो अनलेडन है वो अभी मुझे क्लेम नहीं कर पाया हूँ, वो मैं आपसे आगे शेयर करूँगा। बाकी डिज़ाइन गाड़ी का काफ़ी शानदार है, 14 से 15 KMPL का आपको डीजल में माइलेज दे देगी। बाकी एक तरीके से परफॉर्मेंस भी अच्छी है इसकी, क्योंकि 100 BHP का इंजन आपको इसमें मिल ही गया है। होने को 3 सिलेंडर इंजन है, बट 100 BHP काफ़ी होती है एक गाड़ी के हिसाब से। 260 Nm का मैक्सिमम टॉर्क मिल रहा है आपको, जो कि इनका MHawk सीरीज़ का जो इंजन ऑफर कर रहा है। बाकी ये कुछ था आज की वीडियो में। पीछे आपको किसी भी प्रकार का जो ऊपर आप देखेंगे रूफ रेल नहीं मिलती, बट आप एक्सेसरी में बाद में इसमें ऐड ऑन करवा सकते हैं। और अभी मैं हूँ कुमार ऑटो व्हील्स रुद्रपुर में, तो आप यहाँ इसकी बुकिंग्स कर सकते हैं। ऑलरेडी आज इसका लॉन्चिंग डे था, तो कस्टमर्स का जो रिस्पांस मैं देख पाया हूँ, मैं सुन पाया हूँ, वो बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि ये गाड़ी काबिले तारीफ़ है, क्योंकि जो सारे फीचर मिल रहे हैं, जो इसका पूरा लेआउट है वो काफ़ी शानदार बनाया महिंद्रा ने। बाकी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, आज हम इसका ड्राइव कर पाए तो वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। बाकी इसकी जो दूसरी वेरियंट्स है, जो कि इसका N4 है, N8 है, उसकी वीडियो भी हम आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं इसी तरीके से नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।